बाई लुकिंग एट द डिफरेंट पास पेपर्स जो अभी हमारे पास ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी 26 ट्वेंटी फिफ्ट ट्वेंटी सिक्स में हुए हैं तो अगर हमने कॉमन क्वेश्चन निकालें जैसे हम फाइव फेयर के अंदर यूज कर रहे होते हैं वेन इन ग्रेट नाइन टेन जो हमने अपने लिए किया उसी तरह हम अगर इसको इसको देखें तो इसमें भी कोई ना कोई पास मतलब कोई पैटर्न जरूर सेट होता है ठीक है अच्छा और उस वो एक काइंड ऑफ गेस्ट पेपर तैयार हो जाता है कि भाई इस तरह का पेपर जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आए ठीक है अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई हमारे पास जो पेपर्स हुए हैं ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ एंड ट्वेंटी सिक्स ये उनकी बेसिस पे बेसिकली ठीक है अब यहाँ पे अगर आप इसको फॉलो अप करें इसको जो फॉर्मेट बनाया है या जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं अगर आप इसको आ, फॉलो करें तो आई एम प्री श्योर दैट यू वुड बी सिक्योरिंग एट्टी प्लस मार्क्स इन योर टेस्ट डेफिनेटली ठीक है बट टाइम इज वेरी शॉर्ट तो आपको प्रपेयर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और प्रपेयर का मतलब है यू हैव टू लर्न ये नहीं कि आप गो थ्रू करेंगे बस आपने जल्दी से पढ़ लिया एंड दैट्स इट नो यू हैव टू सिट अंडरस्टैंड एंड एंड रिकॉल रिमेंबर ठीक है आपको सिर्फ उस किताब को सिर्फ गुजारना नहीं है आपको किताब को पढ़ना है ठीक है अच्छा अब अगर हम इस पेपर की बात करें तो भाई इसकी मेन दो कैटेगरीज हमारे पास नजर आई है एक इंग्लिश है और एक जनरल नॉलेज है ठीक है एक इंग्लिश एंड देन जनरल नॉलेज अब इंग्लिश में जो मेन फोकस इनका रहा है अगर आपने देखा हो तो कभी फर्स्ट स्टार्ट क्वेश्चंस या फिर लास्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे हमें वोकैबलरी नजर आई है ठीक है सेंसर आ रहे हैं से सेंसर आ रहे हैं ठीक है तो हमें जो है ना फोकस करना है वोकैब पे उसके बाद ग्रामर हार्डली इन्होंने पूछी है और ईडियम्स ठीक है मीनिंग ऑफ द ईडियम्स तो ये तीन चीजें जो है यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश में नजर आई हैं ओके तो इनकी प्रैक्टिस करनी जरूर अगर मैं वो कैब की बात करूं तो वो कैब आई एल बी सून अपलोडिंग यानी हो सकता है कि मैं लाइक नोट्स की फॉर्म में वो कैब प्रोवाइड कर दूं तो यू कैन गो थ्रू इट इड और यहां पे भी ना रिपीटेड वो कैब्स होती हैं ठीक है थीके? तो डोंट वरी वो कैब बट वो कैब को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा दिस वुड बी ट्रिकी बट अगर आप उन मार्क्स देने तो डेफिनेटली यू हैव टू सेट एंड प्रैक्टिस देन वी हैव अ ग्रामर पोर्शन ग्रामर ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड वेन uh, है uh, तो उसके अंदर ग्रामर की काफी सारी विडियोज है ईडीएम्स हैं तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो एंड देन आई कैन ईवन प्रोवाइड द कंपाइल नोट ऑफ ईडीएम ठीक है अब आ जाती है बात हमारे पास जर्नल नॉलेज पे जर्नल नॉलेज वेन आई टॉक अबाउट जनरल नॉलेज ऑफकोर्स आर मेन फोकस इस पाकिस्तान ठीक है अब हमारी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेजोरिटी क्वेश्चन किसमें से आए पाकिस्तान के बारे में आए पाकिस्तान के बारे में क्या पूछा गया है ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछी गई है उसकी ज्योग्रफी पूछी गई है माउंटेन्स ले लें ठीक है मतलब वो उसकी कहाँ पर है एल्टीट्यूड क्या है सही है तो ये सारे जोग्राफिकल लोकेशन हैं जो कि है पाकिस्तान के बारे में पूछी गई हैं फिर हमारे पास लैंडमार्क्स है लैंडमार्क्स में हमारे पास माउंटेन्स हिल्स ओशंस ठीक है वैलीज ये सारी चीजें आई हैं जो आपको पढ़ना लाजिम है अब उस माउंटेन में सिर्फ ये नहीं कि माउंटेन का नाम पढ़ लें बट यू हैव टू रिमेंबर द एल्टीट्यूड ठीक है यू हैव टू रिमेंबर दबाउट बॉर्डर्स यू हैव टू रिमेंबर द नियर बाय प्लेसेस ठीक है लोकेशन तो यहाँ पे आपको थरली रीड करना है बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको थर्ली प्रिपेयर करना है इसके लैंडमार्क्स को और इसके जोग्राफिकल लोकेशन को ठीक है इवन यू कैन इवन प्रिपेयर फॉर Uh, पाकिस्तान एरिया एंड एवरीथिंग पॉपुलेशन देन रेटिंग अब ये जो रेटिंग है बेसिकली रेटिंग इज लाइक के पाकिस्तान कहाँ खड़ा है लाइक like, uh, अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूँ अगर मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक रेट की बात करूँ अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूँ ठीक है एक्सपोर्टर की बात करूँ इम्पोर्टर की बात करूँ तो इसकी जो रेटिंग है इट कैन बीवेलुएटेड ठीक है उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान आप देखें तो उसके अंदर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं और अगर आप मेनली प्रिपेयर करें तो यू कैन प्रिपेयर फॉर सर सदाना इकबाल कैज आजम ये वो पर्सनलिटीज हैं जो कि आराम से पूछी जा सकती हैं एंड यू कुड हैव टू और थ्री एम सी क्यूज रिलेटेड विद इट फिर उसके बाद आपके पास आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है अब इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास क्या है कि आपको इंस्ट्रूमेंट याद करने पड़ेंगे वो इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे हम कहते हैं कि हवा किससे मेजर करते हैं ठीक है रेन किससे मेजर करते हैं उसके बाद हमारे पास जो है वो किसी की डेप्थ है ठीक है किसी का डाया है तो इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए वो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आपको क्या करना है याद करने ठीक है आई एम सून अपलोडिंग द वीडियो ऑन इंस्ट्रूमेंट्स माइट बी टूडे तो इंस्ट्रूमेंट्स आप उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं देन न अबाउट दी अर्थ अब अर्थ इज क्वाइट वेरी वास्ट टॉपिक तो ये मुश्किल है कि आप इतने शॉर्ट बेसिस पे कवर करो सो वट यू हैव टू कवर अबाउट इस आप अर्थ को पहले तो अर्थ को पढ़ना सीखो कि भाई अर्थ है ठीक है उसके आ, दो हेमस्फियर है नर्दन एंड सर्दर्न फिर उसमें उसमें क्या मौजूद है कौन सी कंट्रीज हैं ट्रॉपिकल है ट्रॉपिक है ठीक है टेम्परेट है पोलर है उनके अंदर कौन सी कंट्रीज आ रही है ठीक है वो कितने एल्टीट्यूड पे हैं ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें से भी आपके एमसीक्यूज आएंगे देन यू नीड टू रीड अबाउट द सीजन ठीक है सीजन कहाँ से बिगेन हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है कौन सा सीजन कौन से मंथ में आ रहा है तो यू कैन रिमेम्बर दिस ठीक है और सीजन बेसिकली होते कैसे हैं यू नो दैट के सीजन हमें रेवोल्यूशन से मिलते हैं ठीक है अब वो जो रेवोल्यूशन होती है वो कौन से सीजन को कब लेकर आती है ठीक है ये करना है देन आपके पास यूनिवर्स है यूनिवर्स इज अ गुड टॉपिक ऑफ फॉर दिस टेस्ट इसमें क्या है बेसिकली यू नीड टू टॉक अबाउट द यूनिवर्स ठीक है द साइज ऑफ द यूनिवर्स वी कैन नॉट इवेलुएट बिकॉज द साइज ऑफ द यूनिवर्स इज कीप ऑन मूविंग कीप ऑन एक्सपेंडिंग ठीक है तो उसको तो छोड़ दें लेकिन उसके बाद यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं स्लेशस बॉडीज हैं ठीक है मेट्रोइड एस्ट्रोइ सोलर सिस्टम ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स अब प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड की बात करें नॉट ओनली पाकिस्तान के प्रोडक्शन में जैसे मशीनरी है ठीक है जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ें डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं या फिर हमारे पास कोई गैजेट्स जो कोई uh, लेटेस्ट गैजेट्स हैं तो कौन सा गैजेट कौन सी कंट्री जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ठीक है हु प्रोड्यूसिस वर्ल्ड उसके बाद आपके पास यू नीड टू रिमेम्बर दिस ऑल्सो के कौन क्या इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी जो करंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेश अगर आप फिर करंट अफेयर अगर मैं इसमें कहूँ करंट अफेयर इन्वॉल्व हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग केस क्योंकि भाई लेट सपोज हमने कहा कि भाई अगर हमें मॉनिटरी फंड चाहिए तो उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है ठीक है तो इस तरह से आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का उनके हेडक्वार्ट पर है ठीक है और उनके इस वक्त हेड्स uh, कौन है ये सब आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद आपके बॉडी ऑर्गे आपने देखा होगा कि वहां पे आया था द दार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी तो यहाँ पे आपके पास जो बॉडी ऑर्गेन्स हैं उनके फंक्शंस को पढ़ना भी यहाँ पे लाजिम है फिर उसके बाद आपके पास अगेन डेफिशंसीज डेफिशंसीज बाई टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो ऑन दिस ठीक है जिसमें मैं डेफिशंसीज डिस्कस करूंगी थरली ठीक है फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी के बारे में पूछा जाएगा यू वुड बी एबल टू आंसर उसके बाद हमारे पास आ रहा है करेंसी आपको करेंसी पता होनी चाहिए ठीक है करेंसी कौन सी राइज uh, हो रही है कौन सी फॉल पे जा रही है कौन सी डी वैल्यू हो रही है तो ये आपको पता होनी चाहिए और कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है ये तो डेफिनेटली पता होना चाहिए उसके बाद आपको कैपिटल्स पढ़ने की जरूरत है ठीक है फिर आपको बुक्स एंड ऑथर्स दिस इज क्वाइट अ बोरिंग टॉपिक ठीक है बट यू हैव टू लर्न इट क्यों क्योंकि इफ यू वॉन्ट टू गेट द मार्क्स तो आपको ये वाला टॉपिक इवन दिस टॉपिक इज क्वाइट बोरिंग फॉर मी एज वेल कि मैं uh, किसी चीज को अगर आप समझ के करो ना दिस बिकम्स वेरी इजी बट किसी चीज को आप रट्टा मारो तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट ठीक है तो बेसिकली अगर आप यहाँ बेसिकली हमें क्या करना होता है बुक एंड देन ऑथर बुक एंड इट्स ऑथर तो यहाँ पे तो डेफिनेटली यू हैव टू मेमोराइज इट एनी हाउ तो यू वुड यू वुड क्रिएट यूर ओन स्ट्रैटेजी टू लर्न इट और मेमोराइज इट यहाँ पे सबकी अपनी स्ट्रेटीज चलेंगे उसके बाद हमारे पास आ गए मेन डेज एंड एवेंट कौन से डेज अभी करंट ये भी एक करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो सकता है कि मेन डेज कौन से थे और कौन कौन से एवेंट हुए हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट देपर द गेस्ट पेपर दैट आई है अगर आप लोग चाहो तो इससे तैयारी करो एंड आई दैट 80 परसेंट ऑफ योर पेपर वुड बी कवरिंग फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ मुंसिपल टाउन ऑन मुंसिपल टाउन एंड आई एम वर्किंग ऑन एस एस टी टेस्ट ठीक है जर्नल एंड साइंस कैटेगोरी दोज हैव अप्लाइड इन दैट तो फिर वो जो है इस मतलब इस वाले पेज के ऊपर आके देख सकते हैं सारी विडियो अपलोड है और फर्दर डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है सेकेंडली आफ्टरवर्ड द अपकमिंग टेस्ट वुड ऑल्सो बी प्रैक्टिस ठीक है क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई किया आई एम गोना हेल्प यू आउट के हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ सकें ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टू वीडियो एंड ऑल द बेस्ट दोस्त आर अपेयरिंग इन द नेक्स्ट मुंसिपल टाउन टेस्ट एंड गुड लक थैंक यू अल्लाह हाफिज